हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर एक कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर करंट अफेयर और जीके की वीडियो डेली अपलोड होती है। डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो शुरू होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे HDFC बैंक का अगला CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है जल निश्चय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दरचुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है 40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है? ऑप्शन आपके सामने, शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।